एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशात और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल फेशियल एस्टेक सीक्रेट का इंडियन हीलिंग क्ले मास्क। और यह है कैल्शियम बेंटोनाइट क्ले, जो कि आप इसे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और इस रिलेटेड मैंने आपके साथ अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर की थी, इसका मेरे साथ पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये क्ले मास्क आपको नॉर्मली प्लास्टिक कंटेनर में रिसीव होगा। तो इंटरनल यूज़ के लिए इसके जो बेनिफिट्स है, इट हेल्प्स टू प्रमोट हेल्थी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट by removing toxins that cause allergic reaction, oxidative damage and poor immune system function. By removing the toxins from your body, you may easily feel the reduce of joint pain, increase in the energy and the mental function. तो यहाँ पे मैं पर्सनली आपको यही एडवाइस करूँगी कि फॉर इंटरनल यूज़ के लिए आप अपने डॉक्टर से फर्स्ट एडवाइस लीजिए। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो फिर आप इसे ट्राई कर सकते हो। फॉर एक्सटर्नल यूज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया है कि आप इसे एज अ फेस मास्क, एक्ने बॉडी रैप्स, क्ले बाथ्स, फूड सोक्स, चिल क्ले फॉर नी पैक्स और बहुत से इसके एक्सटर्नल यूज़ जो है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो फर्स्ट इंटरनली जो ये क्ले मास्क, इस तरह का क्ले मास्क आपको मिलेगा और बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर है। तो यहाँ पे मैं जो इन्होंने डायरेक्शन दिया हुआ है जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए आपको इक्वल अमाउंट में जो है वो क्ले मास्क यहाँ पे लेना है। तो वन स्पून जो, तो यहाँ पे इन्होंने और एक सजेशन दिया है कि यहाँ पे इस मास्क बनाने के लिए आप मेटल बाउल ना यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का जो है वो बाउल यूज़ किया है और प्लास्टिक जो है वो स्पून यूज़ किया है। तो वन स्पून मैंने यहाँ पे जो है वो क्ले लिया है और सेम जो है मैं यहाँ पे फर्स्ट यूज़ के लिए, तो मैं यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ की कर रही हूँ। इन्होंने यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर भी एडवाइस किया है। तो यहाँ पे डिपेंड आप पे है कि आप इस क्ले मास्क को जैसे आपको चाहिए आप इससे जो है वो पैक बना के अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। आप ओवरऑल बॉडी पे भी इसे अप्लाई कर सकते हो और इसे मिक्स करने के बाद में ये बहुत ही स्मूथली, ना इसमें कोई भी गुठलियाँ आपको नहीं होगी, बहुत ही स्मूथ और परफेक्ट फेस मास्क इसका जो टेक्सचर है वो बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव स्किन है तो आप इसे 5 to 10 minutes तक अपने फेस पे रखिए। अगर आपकी जो फेस है वो स्किन है वो 15-20 minutes आप इसे रख सकते हो। अगर नॉर्मल स्किन है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये नॉर्मली जो है वो बहुत ही स्मूथली ये फेस पैक जो है वो अपने स्किन पे अप्लाई हो जाता है। तो फर्स्ट ट्रायल के लिए मैंने अपने इसे हैंड पे ट्राई किया है, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी फेस मास्क जो भी हुआ तो अपने फेस पे अप्लाई मत कीजिए। पहले एक टेस्ट जो कहते हैं वो करना ज़रूरी है। अगर वो सूट होता है तो आप इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ देर बाद जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बहुत ही ड्राई होने लगा है। ड्राई होने के बाद में ये आपको एक पूलिंग और टाइटिंग सेंसेशन आपको फील हो जाएगी, जैसे कि नॉर्मली क्ले मास्क में होती है। और आफ्टर वॉश करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हैंड है उस पर ये कितना क्लीन हुआ है। और आपको यहाँ पे देख सकता है कि ये बहुत ही डीपली क्लींस करता है। ये क्ले मास्क फॉर एक्सटर्नल यूज़ के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इसके लिए भी आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। आप इसे फॉर टीथ वाइटनिंग के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो। कुछ ही क्वांटिटी में आप इसे लीजिए, आप इसे फिंगर के हेल्प से ब्रश कीजिए या फिर ब्रश पे इस पाउडर को डाल के आप इसे ब्रश कर सकते हैं। और तो ये आपको टीथ वाइटनिंग के लिए भी हेल्प करेगा। आप इसका हेड मास्क भी बना सकते हैं, आप इसका फूड सोक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो है क्ले मास्क ये आपको डीपली क्लींस करने में, आपके पोर्स डीपली क्लींस करने में हेल्प करता है, आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, वाइट हेड्स को रिमूव करता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है फॉर एक्ने प्रोन स्किन, एक्ने को ड्राई करता है, ऑयलीनेस को भी दूर करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे वीक में एक बार अप्लाई कर सकते हो।
और ये क्ले मास्क आप राइस वाटर के साथ में हनी जो चाहे आप इंग्रेडिएंट जो आपको सूट होते हैं वो आप इसमें ऐड करके आप इसके साथ फेस मास्क या आप बॉडी एक्ने के लिए भी इसे यूज कर सकते हो। मल्टीपल यूज के लिए ये क्ले मास्क बहुत ही परफेक्ट क्ले मास्क है। अगर मेरा ओपिनियन है तो मैं आई एम फुल्ली सजेस्टेड फॉर एवरीवन कैन यूज फॉर एक्सटर्नल यूज, ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, आई एम नॉट रिकमेंडेड फॉर इंटरनल यूज के लिए। For that, you have to consult your doctor first, and for external use, I am suggesting for everyone, mostly for acne-prone, oily skin people, this clay mask work best for them. Also, everyone can use this mask, but again, I am saying, for before using any clay mask, you have to do a patch test. अगर आपको सूट होता है तो आप इसे यूज कर सकते हो। पर्सनली ये क्ले मास्क मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, इसका रिजल्ट मेरे साथ बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव रिजल्ट इसका मिला है। अगर आपको भी ये क्ले मास्क बाय करना है तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए है, आप वहां से बाय कर सकते हो। और अगर इस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, तो आपके सवालों के जवाब मैं ज़रूर दूंगी। और ये आज का जो प्रोडक्ट रिव्यू है आपको कैसे लगा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।